20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको एक साउंड बार लेनी है तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन मेन दो कंटेंडर्स कौन से हैं? ज़ेब्रोनिक्स 9800 प्रो डॉल्बी एटमोस साउंड बार और सोनी HD RT3 डॉल्बी डिजिटल 5.1 साउंड बार। इन दोनों के बीच में बेस्ट कौन सी है, क्योंकि आप दोनों साउंड बार्स तो ले नहीं सकते, यही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं इन दोनों साउंड बार्स का एक ऐसा कंपैरिजन करूंगा, आई गारंटी यू आपने वो कहीं भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, एक साउंड बार को टेस्ट करने के लिए बहुत तरीके के टेस्ट करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करने पड़ते हैं। इस स्टूडियो के अंदर चारों तरफ एकूस्टिक पैनल्स लगे हैं, इसलिए हम इन दोनों ही साउंड बार्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत दिनों तक टेस्ट करते रहे। और उसके लिए आपकी चाहे पसंद हो या ना हो, क्लासिकल सॉन्ग सुनना सबसे बेस्ट रहता है एक साउंड बार पे, क्योंकि उसमें आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सुनाई देता है। मैंने कुछ ऐसे सॉन्ग्स और कुछ अलग अलग जॉनरा के सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके अपनी ड्राइव पे अपलोड करके आपको उसका ड्राइव लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करें और सारे वो ऑडियो टेस्ट सुने जो मैंने इन दोनों ही साउंड बार से रिकॉर्ड करे हैं। आई विल टेल यू अ डिस्क्लेमर, इन दोनों ही साउंड बार्स पे सेम वॉल्यूम सेट करी गई थी, सेम माइक से रिकॉर्ड करे हुए ऑडियो टेस्ट हैं वो, और माइक को भी सेम डिस्टेंस पे रखा गया था। उनसे आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि इन दोनों ही साउंड बार्स की एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यूट्यूब पे 90% कॉम्प्रेस्ड ऑडियो आप तक पहुंचती है, जिससे आपको एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी का पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं कि ये चैनल आपका है। हम किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कंटेंट इस चैनल पे नहीं चलाते, हम आपकी सपोर्ट से इस चैनल को रन करते हैं और हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी सिर्फ आप ही हैं। आप जब हमारे अफिलिएट लिंक से कुछ भी परचेज करते हैं तो वो ही हमारी इनकम बनती है, उससे मिलने वाली थोड़ी सी कमीशन। मेरे सभी अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन्हें यूज करके कुछ भी परचेज करें। ये है ज़ेब्रोनिक्स की जूपर 9800 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। इस साउंड बार के साथ आपको एक HDMI केबल, एक ऑक्स केबल, एक ऑप्टिकल केबल, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट जो कि मेटल के बने हैं, एक रिमोट कंट्रोल और उसकी दो बैटरी साथ में देखने को मिलती है। रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ साथ बेस और ट्रेबल के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, विच इज अ वंडरफुल थिंग इन एनी साउंड बार। इसके फ्रंट और टॉप पे आपको ब्लैक मेटल ग्रिल डिजाइन देखने को मिलेगा और बाकी सब जगह पियानो ब्लैक फिनिश प्लास्टिक देखने को मिलेगा, विच लुक्स रियली प्रीमियम। इस साउंड बार के लेफ्ट में आपको ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग और राइट साइड पे आपको डॉल्बी एटमोस का लोगो देखने को मिलेगा। साउंड बार के टॉप पे आपको चार फिजिकल बटन मिलते हैं जिनका रिस्पॉन्स काफी टैक्टाइल है और आप उनसे पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम प्लस या माइनस या फिर इनपुट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। साउंड बार की बैक साइड पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलती हैं और उसमें आपको सबसे पहले मिलता है HDMI ARC 2.0 पोर्ट, दो HDMI इन पोर्ट्स और ये भी 2.0 पोर्ट्स हैं, एक ऑप्टिकल इनपुट, एक USB और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलेगा। इस साउंड बार में आप ब्लूटूथ से भी सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं और उसका वर्जन है 5.0। इस साउंड बार के अंदर आपको 2.5 इंच और 3 ओम्स के चार फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और 2 इंच और 8 ओम्स के दो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा 6.5 इंच और 3 ओम्स का सबवूफर, जो कि एक एक्टिव और वायरलेस सबवूफर है। ज़ेब्रोनिक्स की इस साउंड बार के सभी चैनल्स का टोटल करके आपको आउटपुट मिलता है 330 वॉट्स और सबवूफर का टोटल आउटपुट है 120 वॉट्स, जो कि टोटल बनता है 450 वॉट का टोटल आउटपुट। और उसकी साउंड बार के साथ कनेक्टिविटी में आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस साउंड बार की SNR है 72 डेसिबल्स, सेपरेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 42 डेसिबल्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 45 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ये साउंड बार 38 इंचेस वाइड है और 3.4 केजीज वे करती है। ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस साउंड बार से आपको डॉल्बी एटमॉस,
Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Surround और 4K Pass-Through जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये है सोनी की HDRT3 5.1 चैनल साउंडबार। इस साउंडबार के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, उसकी दो बैटरीज, एक HDMI केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन साथ में देखने को मिलेगी। इस रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस के साथ साथ सबवूफर प्लस और माइनस के कंट्रोल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रेबल कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट पे आपको डार्क ग्रे मेटल ग्रिल देखने को मिलती है और इसके टॉप पे आपको सिरेमिक डार्क ग्रे कलर की फिनिश का प्लास्टिक देखने को मिलता है। यही डिजाइन सराउंड चैनल्स पे भी कैरी फॉरवर्ड करा गया है। RT3 के अंदर आपको 3 1.5 इंच और 2.5 ओम्स के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स मिलेंगे साउंड बार में, और 2.5 इंच और 2.5 ओम्स के 2 सराउंड चैनल्स मिलते हैं आपको RT3 साउंड बार के साथ। इसके अलावा आपको 6.25 इंच और 4 ओम्स का सबवूफर भी मिलेगा और ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल की सपोर्ट के साथ आती है। सोनी की इस साउंड बार के सभी ड्राइवर्स का टोटल है 300 वॉट्स, 65 वॉट ईच के आपको सराउंड चैनल्स मिलते हैं और 170 वॉट का आपको सबवूफर इस साउंड बार में देखने को मिलता है, जो कि टोटल बनाता है इसका आउटपुट 600 वॉट्स। इसके अलावा आपको डॉल्बी डुअल मोनो की सपोर्ट भी इस साउंड बार में देखने को मिलेगी। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि सोनी की ये साउंड बार 35 इंचेस वाइड है और वे करती है 2.1 केजीज। साउंड बार की बैक साइड पे आपको वॉल माउंटिंग ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी, लेकिन कोई भी टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इस साउंड बार के साथ आने वाले एक्टिव सबवूफर के अंदर देखने को मिलेंगी। ये साउंड बार एक वायर से कनेक्ट होगी सबवूफर से और सराउंड चैनल्स भी वायर से कनेक्ट होंगे उसी सबवूफर से। वायर के कनेक्शन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सराउंड चैनल्स की वायर की लेंथ है 10 मीटर्स और वो कलर कोडेड हैं। इस एक्टिव सबवूफर की बैक साइड पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी और उसमें सबसे पहले आता है HDMI ARC पोर्ट, और इसकी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1.4 या फिर 2.0 पोर्ट है, बट ये एक ऑडियो रिटर्न चैनल है फॉर श्योर। इस साउंड बार के अंदर आपको एक ऑप्टिकल इनपुट भी मिलेगा और USB पोर्ट भी मिलेगा। सोनी ने SNR सेपरेशन और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिक्लेयर नहीं करा, इसलिए मैं उसे बता नहीं सकता। सोनी RT3 में आप ब्लूटूथ से भी सॉन्ग सुन सकते हैं और उसका वर्जन है 4.2, और खास बात यह है कि इसमें आपको NFC की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी। प्रोवाइडेड आपके फोन में NFC है, आप इस साउंड बार पे टच करके अपने सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, लुक्स और स्पेक्स की बातें तो बहुत हो चुकी, अब आपको सुनाता और दिखाता हूँ असली ऑडियो टेस्ट। लेकिन एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन, आप अपने हेडफोन या ईयरफोन लगाएं और उसके बाद इस ऑडियो टेस्ट को ध्यान से सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसी ऑडियो एक्सपीरियंस करी इन दोनों ही साउंड बार से। Thank you.
जो ऑडियो टेस्ट आपने अभी सुना और उसमें आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपको वही एक्सपीरियंस थोड़ा सा एनहेंस करके दिखाता हूं। दिखाने का मतलब मैं इन दोनों ही साउंड बार्स को एक एक करके टीवी के साथ कनेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप ब्लूटूथ पे सॉन्ग प्ले करने के लिए इन दोनों ही साउंड बार्स को नहीं खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके इन साउंड बार्स से होम थिएटर जैसी फील को पाने के लिए। चलिए एक दूसरा ऑडियो टेस्ट देखते और सुनते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वर्डिक्ट या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि ये दोनों ही साउंड बार्स किस ऑडियो फॉर्मेट की डिकोडिंग आपको टीवी से कनेक्ट करने पे देती हैं। दोनों ही साउंड बार्स को मैंने HDMI ARC पोर्ट से कनेक्ट किया और मुझे डिकोडिंग मिली डॉल्बी एटमॉस की ज़ेब्रोनिक से और डॉल्बी डिजिटल की सोनी से। चलिए देखिए, आप ये देख सकते हैं कि सोनी RT3 टीवी के साथ लगाने पे नेटफ्लिक्स पे आपको 5.1 ऑडियो डिलीवर करेगी। आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रोनिक्स 9800 प्रो को जब हम टीवी के साथ लगा के नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस लोगो देखने को मिलता है। आपने जो ऑडियो टेस्ट अभी सुने और देखे उसे मैं अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूं और उसके बाद आप फिर से वही ऑडियो टेस्ट सुनिए और देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपने भी वही फील किया जो मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों ही साउंड बार्स के अंदर आपने जो ऑडियो टेस्ट सुने उसमें आपको इस साउंड बार में हाई नोट्स थोड़े से ज्यादा अच्छे सुनने को मिले, यानी आपको ट्रेबल थोड़ी सी ज्यादा मिली, इसमें आपको बेस भी थोड़ी सी ज्यादा मिली और आपको वो ज्यादा अच्छे से महसूस हुई और आपको इसका ऑडियो लेवल थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, जबकि ये साउंड बार 450 वॉट्स की है। और सोनी साउंड बार के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपको ट्रेबल की यानी हाई नोट्स की कमी लगी,
आपको बेस थोड़ी सी बूमी लगी और आपको ऑडियो लेवल, मैंने इन दोनों साउंड बार्स का ऑडियो लेवल सेम रखा था, ऑडियो लेवल आपको इस साउंड बार का थोड़ा सा कम लगा इन कंपैरिजन टू ज़ेब्रोनिक साउंड बार। ये अब आप दोबारा से ऑडियो क्लिप सुनिए और देखिए और सुनिए और मुझे बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या आपने भी यही फील किया, और ये क्यों फील किया इसका रीजन मैं आपको अब बताता हूं। हर साउंड बार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी जाती है इन द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज। ज़ेब्रोनिक्स 450 वॉट की साउंड बार है और सोनी 600 वॉट की साउंड बार। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, और उसमें लो नोट्स, मिड नोट्स और हाई नोट्स तीनों आते हैं। इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी को समझने पे हमें यह पता चलेगा कि इन दोनों ही साउंड बार्स में लो, मिड और हाई तीनों नोट्स की फ्रीक्वेंसीज हमें कैसा रिजल्ट दे रही हैं और उनका आउटपुट हमें कैसी ऑडियो क्वालिटी दे पा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनी के बारे में। सोनी ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपना मेन फोकस लो नोट्स पे रखा है, और लो नोट्स में भी अपर बेस के ऊपर। अपर बेस इसके अंदर मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रही है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बूमी बेस सुनने को मिलेगी हर नोट में। इनफैक्ट अगर आप हैवी मेल वॉइस इस साउंड बार से सुनेंगे तो आपको उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बेस सुनने को मिलेगी। इसलिए हम जब भी कोई ब्लाइंड टेस्ट इन दोनों ही साउंड बार्स का सेम सॉन्ग प्ले करके करते हैं तो किसी भी एवरेज यूजर को ये साउंड बार ज्यादा अच्छी लगेगी ब्लूटूथ से सॉन्ग्स प्ले करते समय। अदरवाइज अगर आप इस साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करके कोई मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो बिना नाइट मोड ऑन करे हुए आपको ये साउंड बार डायलॉग्स डिलीवर कर ही नहीं पाएगी अच्छे से। दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ दिस साउंड बार। इस साउंड बार के अगर हाई नोट्स की बात करूं तो बिकॉज अपर बेस बहुत ज्यादा है आपको बूमी साउंड बहुत ज्यादा मिलेगी, उससे हाई नोट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपको ट्रेबल बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली सोनी की साउंड बार के अंदर आपको ट्रेबल कंट्रोल भी देखने को नहीं मिलता। ऑल यू गेट इज सब वूफर कंट्रोल। सब वूफर कंट्रोल के अंदर आप प्लस या माइनस करने पे सब वूफर की ऑडियो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड बिकॉज मेन पावर इज गोइंग टू द अपर बेस इन सोनी साउंड बार, ये अपर बेस मिड नोट्स को भी कंट्रोल कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। सोनी का ये सब वूफर आपको बेस के साथ साथ मिड नोट्स भी डिलीवर कर रहा है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। अब बात करते हैं ज़ेब्रोनिक्स के बारे में। ज़ेब्रोनिक्स ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सही प्रोपोर्शन में करी है पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में। आपको इसमें लोअर और अपर बेस दोनों भी बहुत सही प्रोपोर्शन में देखने को मिलेंगी, यानी आपको बूमी और पंची दोनों टाइप की बेस इस साउंड बार से देखने को मिलेंगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लोअर बेस अच्छी होती है और आपको वो फील होती है, अपर बेस सही नहीं होती ज्यादा होनी किसी भी साउंड बार में और वो आपको ज्यादा सुनाई देती है। आपको बेस फील होनी चाहिए, सुनाई नहीं देनी चाहिए ज्यादा। और अपर बेस ज्यादा होने से एक और ड्रॉबैक होता है, उससे मिड नोट्स बहुत ज्यादा दब जाते हैं। कभी कभी आपको फीमेल वॉइस दबी हुई मिलेगी, कभी कभी मेल वॉइस आपको बहुत ज्यादा बूमी देखने को मिलेगी, डिपेंड्स ऑन किस तरीके से अपर बेस को बढ़ाया गया है। और सोनी साउंड बार के अंदर आपको अपर बेस बहुत ज्यादा बड़ी हुई दिखती है। इस साउंड बार के अंदर एक और खास बात है कि इसमें आपको हाई नोट्स बहुत ही अच्छे और सही प्रोपोर्शन में देखने को मिलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ड्राइव लिंक्स में तीनों ही ऑडियो टेस्ट के अंदर ये बात ऑब्जर्व भी करेंगे और नोटिस भी करेंगे कि सेम सॉन्ग्स के अंदर आपको ट्रेबल यानी हाई नोट्स इस साउंड बार में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इस साउंड बार में कम अच्छे लग रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज भी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सॉन्ग के अंदर आपको इसमें ज्यादा अच्छी लगेगी और सुनाई देगी, जबकि इस साउंड बार के अंदर यानी सोनी में आपको वो ज्यादा सुनाई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। रिमेंबर, मैं एक ऐसी साउंड बार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर साउंड बार है, एक ऐसे ब्रांड की है सोनी, जिसे कोई भी बीट नहीं कर सकता, जिसके रिव्यूज फ्लिपकार्ट, Amazon या फिर पर्सनल रिव्यूज आप किसी से भी पूछेंगे, देन दे विल स्पीक वेरी हाई अबाउट दिस साउंड बार।
लेकिन मेरे हिसाब से इस साउंड बार को आपको सिर्फ तब लेना चाहिए जब आपको ब्लूटूथ से सॉन्ग्स प्ले करने हो, एंड ओनली लिमिटेड टू बॉलीवुड, मे बी अ फ्यू पंजाबी एंड फ्यू इंग्लिश रॉक्स। इसके अलावा आपको इस साउंड बार को अगर टीवी में लगा के मूवीज को एंजॉय करने के लिए लेना है, देन दिस इज नॉट द राइट चॉइस। बिकॉज अगर आप मूवीज में डायलॉग सुनने के लिए इस साउंड बार को यूज करेंगे तो आपको नाइट मोड ऑन करना पड़ेगा, और नाइट मोड ऑन करने पे इस साउंड बार के सब वूफर का आउटपुट ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, और उस हाफ आउटपुट से आप इस साउंड बार के फुल पोटेंशियल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और इसका फुल पोटेंशियल इज नॉट मेंट फॉर मूवीज एंड डायलॉग्स। इसका फुल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ अच्छे ब्लूटूथ सॉन्ग सुनने के लिए ही है, बिकॉज इसकी ऑडियो क्वालिटी ही वैसी बनाई गई है। इसमें ज्यादा फोकस बेस पे दिया गया है, और वही आपको आज की डेट में बॉलीवुड सॉन्ग्स में देखने को मिलता है, और वही शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई रिमेंबर वन सॉन्ग, बेबी को बेस पसंद है, समथिंग लाइक दैट यू कैन रियली गेट इन दिस साउंड बार। अब बात करते हैं ज़ेब्रोनिक्स के बारे में। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि ज़ेब्रोनिक्स ने अपनी इस साउंड बार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में इतने शानदार तरीके से करी है। इन्होंने लोअर बेस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है ताकि अपर बेस भी आपको मिले, लेकिन वो थोड़ी कम मिले, और लोअर बेस के ज्यादा होने से आपको थिएटर लाइक ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। और एग्जैक्टली यही मैंने आपको इस साउंड बार के अनबॉक्सिंग रिव्यू में भी कहा था। इस साउंड बार में हाई नोट्स पे भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है, जिससे आपको हर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सुनाई देता है। जब आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको डायलॉग सुनने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसके अंदर एक नाइट मोड होता जिसे आप ऑन करके पूरे ओवरऑल ऑडियो को कम करके मिड नोट्स को थोड़ा सा और बढ़ा पाते, तो शायद आप रात को भी लेट नाइट मूवीज एंजॉय कर पाते। वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको सोनी में देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लूटूथ से सॉन्ग्स एंजॉय करना चाहते हैं तो ये साउंड बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, लेकिन सोनी उसमें ज्यादा बेटर है। वो आपको डायलॉग्स के साथ साथ, यानी वोकल्स के साथ साथ, आपको बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक भी देने की पूरी कोशिश करेगी, जो ये साउंड बार कहीं कहीं लैक करती है कुछ कुछ टाइप के जॉनरा के सॉन्ग्स में। लेकिन अगर आप क्लासिकल, पॉप, जैज या फिर नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनते हैं, देन दिस इज अ किलर साउंड बार। एंड ओवरऑल अगर मैं पैकेज देखूं, देन RT3 से ज्यादा अच्छी 9800 प्रो साउंड बार है इन माई ओपिनियन। दोस्तों, मेरा वर्डिक्ट अगेंस्ट द स्ट्रीम है और मैं इस बात को पूरी तरह से अग्री करता हूं, लेकिन मैं वही आपको बता सकता हूं जो मेरे दो कान सुनते हैं और मैं ऑब्जर्व करता हूं। मैं आपको वही ऑडियो क्लिप सुना भी सकता हूं, और मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उन ऑडियो क्लिप्स को सुन के खुद जज करने की कोशिश करें। इन दोनों ही साउंड बार्स को जब आप किसी शोरूम पे सुनेंगे तो उस शोरूम के एरिया को पहले ध्यान से देखिए। वो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर ये साउंड बार प्ले करेंगे ब्लूटूथ से। आपको मूवी चला के नहीं दिखाएंगे, आपको HDMI ARC से कनेक्ट करके ये साउंड बार्स नहीं सुनाएंगे, और आपका रूम का जो साइज है दैट विल नॉट बी द सेम एज द शॉप, या फिर आप जिस भी स्टोर पे टेस्ट कर रहे हैं उसके साइज के हिसाब से। आप इस बात को भी नोटिस करें और ऑब्जर्व करें। मैंने इसे बहुत ही कंट्रोल्ड स्टूडियो एनवायरमेंट के अंदर टेस्ट करके, वहीं रिकॉर्ड करके आपको ऑडियो क्लिप्स दी हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीटली अनबायस्ड, क्योंकि मुझे ना इस ब्रांड से कुछ प्यार है ना इस ब्रांड से नफरत। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है इन दोनों साउंड बार या फिर किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।